जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक है और सबसे हाईएस्ट पीक भी जो है वो माना जाता है। और इसमें जो है जो भी पीक है और जो भी ये नॉर्दर्न जो साउदर्न जो अंडमान एरिया है ये काफी ग्रीन एरिया है, काफी जो है वो जंगल और घना प्रदेश जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। जबकि हम लोग साइज वाइज अगर बात करें तो मिडिल अंडमान देखिएगा कि सबसे बड़ा साइज में जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। मिडिल अंडमान का अगर साइज देखिएगा तो ये हम लोगों को सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो देखने को मिलता है। मिडिल अंडमान का लेंथ या लंबाई चौड़ाई जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मिडिल अंडमान के बाद जो वोल्केनो है वो नारकोंडम आइलैंड्स में जो है वो स्थित है, नारकोंडम आइलैंड्स। तो हम लोग जो है वो अगर बात करें पोजीशन देखें यहाँ पे इस वाले मैप से देखिए तो नॉर्थ अंडमान के इस जगह पे लगभग जो है वो हमारा नारकोंडम आइलैंड जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर बैरन आइलैंड जो है जो कि एक डोरमेंट वोल्केनो है और ये नारकोंडम जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो है वो हम लोग को देखने को यहाँ पर मिलता है। और उसके बाद जो है वो सुनामी के बाद जो ये नारकोंडम है जो एक्सटिंक्ट है इसको माना जा रहा है कि ये अब जो है वो जाग गया है, अब जो है वो थोड़ा सुसुप्ता अवस्था में जो है वो आ गया है कि एक्टिव में जो है वो आ गया है। और जो बैरन आइलैंड पर जो ये है ज्वालामुखी है ये जो है वो अभी भी एक्टिव अवस्था में नहीं है, डोरमेंट जो है वो हो गया है। तो ये जो है वो दो पोजीशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, एक नारकोंडम आइलैंड में यहाँ पर कहीं पर ये जो है वो इधर, और यहाँ पर देखिए सैडल्स पीक जो है वो यहाँ पर है और सेनेटल आइलैंड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा जो हम लोग अगर बात करें इसमें एक जो है वो माउंट हैरियट और हैवलॉक ये भी जो है वो इसी आइलैंड पर जो है वो है जहां पर नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क है दो है माउंट हैरियट और हैवलॉक, ये दोनों जो है वो स्थित है और इस माउंट हैरियट पर जो है वो एक नेशनल पार्क भी जो है वो लोकेटेड है। वही हम लोग अगर लिटिल अंडमान के बाद जो है वो निकोबार की बात करें तो निकोबार में भी जो है वो दो हिस्सा है, इसको भी जो है वो अगर हम लोग देखें तो इसमें एक ग्रेटर निकोबार आता है यहाँ पे, ये ग्रेटर निकोबार आ जाता है, यहाँ पर लिटिल निकोबार है और इसको जो है वो हम लोग कार निकोबार कहते हैं। तो ये मेनली जो है वो तीन हिस्सा में जो है वो बटा हुआ है और बाकी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे आइलैंड जो है वो यहाँ पर हम लोग को निकोबार में जो है वो देखने को मिलते हैं। जो ग्रेट निकोबार है हमारा ये देखिए इंडिया का ये साउदर्न मोस्ट टिप है, मेनलैंड नहीं, ओवरऑल इंडिया में अगर बात करें तो ये साउदर्न मोस्ट टिप जो है वो हमारा ग्रेट निकोबार है। ये देखिए अगर इस तरह से लाइन अगर हम लोग खींचे तो देखिए सबसे साउदर्न में जो है वो हमारा आता है और ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है इंदिरा पॉइंट जो नॉर्दर्न साउदर्न मोस्ट सॉरी जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं। पुराने जमाने का जो लाल रुपया लाल का जो 20 रुपया वाला नोट है उसको आप देखिएगा, लाल वाला जो 20 रुपया का पुराना का नोट है उसके पीछे में आप देखिएगा कि एक टापू के ऊपर एक टावर जैसा जो है कुछ पोजीशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, एक पिलर जैसा कुछ जो है वो खड़ा है, एक लैंप पोस्ट जैसा कुछ आपको खड़ा दिखेगा, वही जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट वही है, आप देख सकते हैं 20 रुपए के नोट में जो है वो वहां आपको फिगर देखने को मिलेगा। तो ये जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये ग्रेट निकोबार में जो है वो सिचुएटेड है। यहाँ पर जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इसके अलावा जो है ननकारी आइलैंड जो है वो है, ये देखिए ननकारी आइलैंड इसको कहते हैं हम लोग, तो ये ननकारी आइलैंड भी जो है वो इसी निकोबार आइलैंड का जो है पार्ट है। ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछता है कि ननकारी आइलैंड जो है वो किसका हिस्सा है या कहाँ पाया जाता है या कहाँ स्थित है, तो इसमें दो तीन तरह का सवाल रहता है कि जो है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है या फिर जो है वो अंडमान सी में स्थित है, इंडियन ओशन में स्थित है, तो इस तरह से सवाल आता है। तो इसका आंसर जो है वो बे ऑफ बंगाल ही होगा, या अगर आइलैंड के बारे में पूछे तो निकोबार आइलैंड के बारे में ही जो है वो इसमें पूछता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ननकारी द्वीप के बारे में जो है वो पूछता है, ननकारी द्वीप, और ये निकोबार आइलैंड का भी जो है पार्ट है। और ये ननकारी का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडिया का वन ऑफ द बहुत अच्छा फिशिंग पॉइंट माना जाता है, यहाँ पर जो है काफी सारा मछली जो है वो यहाँ पर उत्पादन होता है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो टाइडल एनर्जी भी जो है बहुत ज्यादा जो है वो जनरेट किया जाता है, टाइडल एनर्जी।
तो ये जो है दोनों का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्रेट निकोबार जो हम लोग देख रहे हैं इससे इधर आएंगे तो यहाँ पर जो है जावा सुमात्रा द्वीप जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और निकोबार और जावा सुमात्रा के बीच जो है वो 6 डिग्री चैनल जो है वो पार होती है, 6 डिग्री चैनल। तो इसको भी जो है वो ध्यान रखिएगा कि ग्रेट निकोबार और जो यहाँ हमारा जावा सुमात्रा द्वीप है इन सुमात्रा के बीच में जो है वो 6 डिग्री चैनल जो है वो पार होता है, और ये जो है वो ग्रेट निकोबार हमारा जावा सुमात्रा से सबसे क्लोजेस्ट में भी जो है वो आता है। और वर्तमान में ऐसा बोला जाता है कि जो 2004 में जो सुनामी आया था तो इंदिरा पॉइंट जो है वो जो एग्जैक्ट इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया है और उससे थोड़ा सा शिफ्टिंग जो है वो हो गया है। इंदिरा पॉइंट को एक पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और अभी हम लोगों ने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा चोटी जो है वो सैडल्स पीक है, और माउंट थुलियार भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, और ये जो है वो सेकंड सबसे ऊंचा पीक जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है माउंट थुलियार। तो इसको भी जो है वो याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर सैडल्स पीक जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, तो ये सैडल्स पीक जो है वो सबसे ऊंचा है। इसके अलावा माउंट थुलियार जो है वो सेकंड सबसे ऊंचा पीक जो है वो इसका माना जाता है। और अगर यहाँ पे जनजातियों की बात करें तो जारवा जनजाति और सेंट्रलीज जनजाति जो है वो बहुत ज्यादा है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने जो है वो देखा होगा कि सेंट्रलीज जनजाति के ही किसी को जो है वो एक बिस्कुट उस्कुट देने का जो है वो कोई फॉरेनर जो है वो बिस्कुट दे रहा था, इसका फोटो जो है वो बहुत भयंकर रूप से वायरल हुआ था, 7-8 साल पहले की कहानी है, और काफी जो है वो पिछड़ा और बहुत ही अभी तक जो है वो बुरे स्थिति में जो है वो ये जनजातियां जो है वो हमारे अंडमान निकोबार की है। माना जाता है कि ये कैनिबल जनजाति है, यानी कि ये जो है वो इंसानों का मांस भी जो है वो खाती है, और पूरा प्रोटेक्टेड प्लेस है, इसमें जो है वो बिल्कुल इंसान को जो है घूमने घुसने का जो है वो अलाउड नहीं किया जाता है, तो ये भी है। इसके अलावा यहाँ पे जारवा भी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है, और इसके अलावा जो है शैंपेन नाम की जनजाति भी जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि 2014 के जनरल इलेक्शन में, 2014 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इस लोकसभा इलेक्शन में पहली बार शैंपेन जनजाति जो है वो हमारा, इसके लोगों ने भी जो है वो वोटिंग किया था। जो शैंपेन जनजाति है ये शैंपेन जनजाति जो है वो ट्राइब जो है वो पहली बार 2014 के जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में जो है वो वोटिंग किया था। इसके पहले जो है वो कभी वो वोटिंग नहीं किया गया था। तो ये जो है वो इससे रिलेटेड फैक्ट ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इनका जो है वो हाल फिलहाल में 2018-19 में जो है वो कई जो पीक्स हैं या कई जो आइलैंड्स हैं इनका नाम जो है वो बदल दिया गया था, जिसमें कि रॉस द्वीप और नील द्वीप का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सुभाष चंद्र बोस साहब के नाम पर जो है वो, या उनके इंडियन नेशनल आर्मी के मेंबर्स के नाम पर जो है वो किया गया था। तो जो हमारा रॉस द्वीप है उसको जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है वो नाम दिया गया था, और इसके अलावा जो हमारा हैवलॉक द्वीप है उसको जो है वो शहीद द्वीप और हैवलॉक को जो है वो शहीद और नील द्वीप को जो है वो स्वराज द्वीप, एक बार रुकिए शायद थोड़ा सा हम कुछ कंफ्यूज कर गए, जो रॉस द्वीप है रॉस आइलैंड्स नील द्वीप और हमारा हैवलॉक, जो नील द्वीप है ये हो गया सुभाष चंद्र शहीद हो गए, और जो हैवलॉक है इसका नाम जो है वो स्वराज दिया गया। यस, यही क्रम है। तो रॉस द्वीप का जो है वो नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया, नील द्वीप का नाम जो है वो शहीद द्वीप रख दिया गया, और जो हैवलॉक है इसका स्वराज द्वीप जो है वो नाम रख दिया गया। तो इतनी चीजें जो है वो हम लोग अगर अंडमान निकोबार से रिलेटेड चीजों को ध्यान रखेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा कवरेज हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगर वेस्टर्न साइड में आए
तो वेस्टर्न साइड में हमारा लक्षद्वीप आइलैंड्स है और ये भी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है हमारा, और ये जो है वो लक्षद्वीप जो है वो इसमें एंड्रॉट आइलैंड जो है वो इस लक्षद्वीप वाले साइड में अगर हम लोग बात करेंगे तो एंड्रॉट आइलैंड जो है वो इसका सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो हमारा माना जाता है, एंड्रॉट आइलैंड ANDRROTT एंड्रॉट आइलैंड जो है वो हमारा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो है वो आइलैंड जो है वो माना जाता है ANDROTT एंड्रॉट ANDROTT एंड्रॉट आइलैंड जो है वो ये जो हमारा लक्षद्वीप है इस साइड में इसका लक्षद्वीप का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो है वो आइलैंड जो है वो है एंड्रॉट आइलैंड। और इसके अलावा जो है वो हम लोग इसमें जानते हैं कि ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है जिसमें सबसे बड़ा ग्रुप की अगर बात करें तो अमान दीवी जो ग्रुप है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड में जो है वो पाया जाता है। तो सबसे बड़ा साइज वाइज अगर बात करें, एरिया वाइज बात करें तो एट है, और अगर ग्रुप की बात करें, सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप की बात करें तो ये अमान दीवी जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड ग्रुप है। कवरत्ती जो है वो इसकी राजधानी है, और जो हम लोग जानते हैं कि अभी हमने देखा कि मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच में जो है वो 9 डिग्री चैनल जो है वो हमारा पार होता है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर द्वीपों की संख्या जो है वो 36 है, 36 है, 36 द्वीप जो है वो हमारे इस लक्षद्वीप में जो है वो पाए जाते हैं, और इनकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सेंटर है, इसमें लिवेबल आउट ऑफ 36 जो है वो केवल 10 है, केवल 10 पर ही जो है वो आबादी है, केवल 10 पर ही जो है वो आबादी है, और बहुत कठिन है यहाँ पर लाइफ, परमानेंट रहते हैं उनके लिए काफी कठिन है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है उनकी पोस्टिंग जो है वो कवरत्ती एक बार हो चुकी है, तो उनका जो अनुभव रहा है बहुत ही बुरा रहा है। विशाल शायद जानते हो, कपिल को जानते हैं विशाल? नाम से तो याद है लेकिन ऐसे जान नहीं रहा, शायद नाम सुना लग रहा। हाँ, तो उनका ही जो है SSC के लगभग ऑलमोस्ट लास्ट रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, और उनको जो है वो CAG में जो है वो ऑडिटर है, तो वहां पे एक डिफेंस का जो है वो ऑफिस है, उसी डिफेंस ऑफिस में जो है कवरत्ती में जो है वो मिला था पोस्टिंग। खैर हालांकि अब जो है वो इधर आ गए, मेनलैंड में आ गए, तो जैसा उनका अनुभव रहा था कि बोले कि ठीक है 10 दिन तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जब जिसको लाइफ वहां पे गुजारनी है उसके लिए जो है वो उतना खूबसूरत नहीं है, आइए घूम। तो ये जो है वो हमारा आज आइलैंड वाला जो सेक्शन है इस पे भी हम लोगों ने जो है वो देख लिया। इसके अलावा हमने बात की थी कि दो जो है वो हमारे मेजर रूप में जो है वो हम लोग जो है वो आइलैंड हम लोग देखेंगे, एक तो जो हमारा अंडमान और निकोबार वाली बात आई, और दूसरा जो हमारा लक्षद्वीप है। अब जो हमारा इधर कुछ छोटा छोटा आइलैंड भी जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखें तो श्रीहरिकोटा, बहुत नाम जो है वो इसका हम लोग सुनते हैं, और ये श्रीहरिकोटा जो है वो नहीं, इस वाले मैप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर जो है वो यहां पर कहीं पर जो है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में, और ये जो है वो एकमात्र जो यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जो स्पेस लॉन्च सेंटर जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये जो भी स्पेस रिलेटेड चीजें जो भेजी जाती हैं वो इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो है वो किया जाता है,
और ये जो है वो श्रीहरिकोटा जो है वो दीप से ही जो है वो भेजा जाता है, और ये श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को जो है वो बे ऑफ बंगाल से जो है वो अलग करता है, पुलिकट झील को जो है वो अलग करता है बंगाल की खाड़ी से, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर जो है वो स्थित है। तो ये जो है वो पुलिकट झील को भी जो है वो इसी सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो श्रीहरिकोटा आइलैंड है वहीं पर जो है वो है, और यहां से जो है वो स्पेस सेंटर जो है वो यहां से स्पेस व्हीकल्स या स्पेस में जाने वाले जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया जाता है। तो ये जो है वो हमारा श्रीहरिकोटा है, और ये याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो पंबन द्वीप, ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा एक आइलैंड है, और चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखने के बाद जो है वो आप लोगों को ये पंबन जो है वो बहुत याद आता होगा, कोम्बन और पंबन दो नाम जो है वहां पर चर्चा मिलते हैं। तो याद होगा कि शाहरुख खान साहब जो है वो किसी बोट में छिप रहे होते हैं और बोट जो है श्रीलंका निकल रही होती है और वो पकड़े जाते हैं, तो आई एम इंडियन एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट करके जो है काफी अच्छा जो है वो एक्टिंग वहां पे करते हैं। तो उसी मूवी में जो है आप देखिएगा, या जो लोग साउथ इंडिया गए हैं वो जो है पंबन द्वीप जो है वो देखे होंगे। यहाँ पर एक जो है वो आदम ब्रिज भी जो है वो पाया जाता है जो कि राम सेतु का ही जो है वो हिस्सा है, और ये जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो इधर कहीं पर जो है वो स्थित है। और पंबन द्वीप पर जो हमारा रामेश्वरम है, ये रामेश्वरम जो है वो इसी पंबन द्वीप पर जो है वो सिचुएटेड है पंबन, और रामेश्वरम जाने के लिए एक जो है वो ट्रेन लाइन और सड़क जो है वो आपस में पैरेलल में जाती है, जो काफी फोटोज में आप लोग जो है वो देखे होंगे कि चारों साइड जो है वो समुद्र जो है वो दिख रहा है, और एक रेल लाइन जो है वो आपको जाती हुई दिखेगी, काफी खूबसूरत भी जो है वो दिखता है। तो वो एक्चुअल में वही पंबन द्वीप का जो है वो है, और ये जो है वो मन्नार की जो खाड़ी है हमारा वहीं पर जो है वो मेनली स्थित है। तो ये पंबन द्वीप जो है वो याद रखिएगा तमिलनाडु का हिस्सा आता है, और ये रामेश्वरम जो है वो हमारा इसी पंबन द्वीप पर जो है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो न्यू मूर द्वीप, तो ये न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, बे ऑफ बंगाल में है, और भारत और बांग्लादेश का जो सीमा है उसी के बीच में जो है वो कहीं पर स्थित है। जब हम लोग देखेंगे अच्छे से मैप को देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि बहुत सारे छोटे 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 जो है वो आइलैंड टाइप के जो है वो स्थिति जो है वो दिखेंगी, और इस न्यू मूर द्वीप को लेकर के जो है वो काफी विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, और इसको जो है वो वर्तमान में दोनों देश जो है वो बांट लिया है, अपना तुम अपना वाला हिस्सा उधर रखो, हम अपना वाला हिस्सा जो है इधर बंगाल में रखेंगे। और जो भारत में जो अब इसका हिस्सा आया है वो ज्यादातर जो है वो जलमग्न है, सबमर्ज्ड है, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और जो बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है वो जो है कुछ कुछ अभी भी उभरा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक दो बहुत छोटे छोटे जो है वो द्वीप आपको जो है वो दिखेंगे, तो वही जो है वो हमारा न्यू मूर द्वीप है, और ध्यान रखिएगा कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट हम लोग बात करें व्हीलर द्वीप, जिसको हम लोग आज के डेट में अब्दुल कलाम साहब के याद में जो है जिसका नाम हम लोग अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो रख दिए हैं। तो ये अब्दुल कलाम द्वीप जो है वो उड़ीसा के में जो है वो स्थित है, और भुवनेश्वर से जो है वो काफी नजदीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, हमको लगता है कि 200 किलोमीटर के रेंज में जो है वो भुवनेश्वर के आसपास होगा। और इस द्वीप का जो पुराना नाम व्हीलर द्वीप था, और इसको जो है वो यहाँ से मेनली डीआरडीओ अपने प्रक्षेपास्त्र जो है वो छोड़ता है, डीआरडीओ जो है वो जो भी आप देखिएगा तो इसी डीआरडीओ जो है वो व्हीलर द्वीप से करता है, और यहाँ पर अगर इसरो जो छोड़ता है तो वो इसरो जो है वो स्पेस जो है वो करता है तो श्रीहरिकोटा से करता है, और जो डीआरडीओ करता है अपना जो भी प्रक्षेपास्त्र है अग्नि सीरीज का मिसाइल, पृथ्वी सीरीज का मिसाइल, तो ये सब जो भी टेस्टिंग करता है ये सारा जो है वो अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप से जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो ध्यान में हम लोग को रखना है, ये उड़ीसा में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो माजुली द्वीप आता है, तो माजुली जो है वो डेल्टा है, जो बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पर जो हमारे गंगा नदी और जो हमारे इधर से पदमा नदी जो आ रही है इसके बीच में जो है बहुत सारा आइलैंड जो है वो बनता है, जिसको माजुली द्वीप कहते हैं, और ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप है, नदी के द्वारा निर्मित जो है वो रिवर के द्वारा जो निर्मित है
ये विश्व का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप जो है वो यहाँ पर हम लोग को भारत में देखने को मिलता है, जो सॉरी माजुली की बात करें, हम सुंदरबंस की में आ गए, माजुली जो है वो असम में जो है वो सिचुएटेड है, माफ करिएगा बे ऑफ बंगाल गलती से निकल गया। तो माजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है ये हमारा असम में जो है वो सिचुएटेड है, असम और बांग्लादेश के बीच में जो है वो सिचुएटेड हमारा सबसे बड़ा जो है वो माजुली द्वीप हम लोगों को जो है वो देखने को मिलेगा और इस तरफ इस पोर्शन में जो है वो है। और ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है वो मेनली बनता है, जो वहां पे मेघना नाम से जो है वो बहती है, और यहाँ पे जो है वो काफी डेंस पॉपुलेशन भी जो पाया जाता है। और जो माजुली है वो वर्तमान में असम का 33rd जिला जो है वो घोषित किया गया है, और ये पहला भारत का पहला नदी द्वीप जिला जो है वो है, नदी द्वीप जिला जो है वो माजुली जो है वो बनाया गया है, और असम का जो है वो 33rd जिला जो है वो घोषित किया गया है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो है वो बनता है। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का जो है बहुत ज्यादा जो है वो विविधता जो है वो पाया जाता है, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है इस माजुली द्वीप में। तो इतनी चीजों को अगर हम लोग इधर याद रखते हैं तो ये जो हमारा आइलैंड्स है वो हम लोग देख लेंगे। तो ये जो है वो हमारा, इसके अलावा अगर देखें छोटे छोटे आइलैंड्स में देखें तो लक्षद्वीप, श्रीहरिकोटा, पंबन, न्यूमूर, विविलर और माजुली जो है वो हमारा इंपॉर्टेंटली भारत में जो है वो पड़ता है और इंपॉर्टेंट द्वीप जो है वो है। इसके अलावा हमारा अंडमान निकोबार है और हमारा उधर लक्षद्वीप आइलैंड्स है। तो ये जो है वो भारत में जियोग्राफी में जो है पाए जाने वाले आइलैंड्स जो है वो स्थित है। क्लियर है ये? चलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा डेजर्ट है उसकी जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें कुछ खास है नहीं, बस देख लेते हैं थोड़ा। तो ये जो है वो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है वो स्थित है और जिसको हम लोग थार के नाम से जो है वो जानते हैं, जो कि राजस्थान में मेनली हमारा जो है वो पड़ता है और पाकिस्तान से जो है वो हमारा शेयर करता है हिस्सा। इसमें जो है वो काफी ड्राई रीजन है और इस जो ड्राई रीजन जो हमारा ये आता है तो यहाँ पर जो है वो हमारा थार डेजर्ट जो है वो स्थित है और ये राजस्थान प्लेन्स से जो है वो इस तरफ जब आएंगे तो ये काफी ग्रीन एरिया जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो है वो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान मतलब केवल मरुस्थल ही जो है वो नहीं समझना है, राजस्थान में भी जो है वो वेजिटेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो जो हमारा देखा जाए तो अरावली के हिल्स भी जो है वो यहाँ पे हमारा जो है वो पड़ता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे अरावली हिल्स भी जो है यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगे, थोड़ा और ऊपर की ओर इस तरफ जो है वो हम लोग को अरावली हिल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो अरावली हिल्स से वेस्ट में जो प्लेन एरिया है उसी में जो है वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया आता है ये बालू से जो है वो पूरा ढका हुआ है और जो है वो मरुस्थल जो है वो है, रेगिस्तान है जिसको हम लोग थार के नाम से जो है वो जानते हैं, थार रेगिस्तान के नाम से जानते हैं। ज्यादातर भाग जो है वो राजस्थान में स्थित है लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो थोड़ा सा पंजाब और गुजरात में भी जो है वो इसका लोकेटेड हम लोग को देखने को मिलता है, यानी टच करता है। और अगर थार डेजर्ट की बात करें तो वर्ल्ड में जितने भी डेजर्ट है इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर डेंसिटी बात करें तो ये हमारे थार डेजर्ट में ही जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है पूरे विश्व के सभी डेजर्ट्स में के कंपैरिजन में जो है वो पाई जाती है। और अगर हम लोग जो है वो थार डेजर्ट को देखें तो इसका भी जो है वो दो डिवीजन हम लोग को देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए ये हमारा थार डेजर्ट है तो इसका इस तरह से दो डिवीजन जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। एक जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है
जो कि पाकिस्तान की ओर है, जिसका ढाल, जो इसका ढाल है, जो इसका स्लोप है, वो पाकिस्तान की ओर जो है वो हम लोग को देखने को मिलेगा। पाकिस्तान का मेनली उस तरफ सिंध प्रांत है, और जो इसका दक्षिणी भाग है, इसका ढाल जो है वो अगर हम लोग देखें तो इस तरफ जो है वो मिलेगा, जो रन ऑफ कच्छ की तरफ जो है वो, कच्छ की तरफ जो है वो ढाल हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो इसका दो हिस्सा जो है वो है, और जो कच्छ की ओर जो ढाल आ रहा है और जो कच्छ वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो है वो नमक और सफेद टाइप का जो है वो हम लोग को रेगिस्तानी स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी, जहां से जो है वो काफी नमक आदि जो है वो मिलता है, और ये नमकीन दलदल किसी जमाने में जो हुआ करता था, और पानी सूखने के कारण जो है वो पूरा आ गया है। रणोत्सव वगैरह जो है वो मनाया जाता है, तो काफी खूबसूरत जो है वो रहता है। और इसके अलावा जो है वो सारे इसमें जो भी नदियां बह रही हैं वो सब तो सीजनल है ही है। इसमें जो है वो लूनी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, जो कहीं जाकर के हमारा राजस्थान में ही जो है वो बहती है और मरुस्थल में ही कहीं जो है वो गायब हो जाती है। इसमें जो अगर नीचे भूगर्भिक अगर बात करें तो यहाँ पर काफी जो है वो हेवी चट्टान अंदर में जो है वो है, और ये जो है जो हमारा यहाँ पर पेनिनसुलर इंडिया है, इसी टाइप का जो चट्टान है वो यहाँ राजस्थान में थार के डेजर्ट के नीचे जो है वो हम लोग को मिलता है, यानी कि ये जो है वो हमारा इसी का पार्ट जो है वो कभी ना कभी रहा होगा। लेकिन स्थलीय जो स्थलाकृति है या फिर जो भौतिक अपक्षय वगैरह कह सकते हैं या फिजिकल फैक्टर्स जो है, उस वजह से जो है वो यहाँ पे डेजर्ट बन गया। और बोला जाता है कि बहुत पुराने जमाने में ये पूरा एरिया जो हम लोग देख रहे हैं, ये टेथिस सागर का जो है वो एरिया हुआ करता था। ये टेथिस सी जो आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये टेथिस सी का जो है वो एरिया हुआ करता था, और इसी से जो है वो इधर हिमालय आदि जो है वो टकराया। जब ये प्लेट आकर टकराता है तो इधर हिमालय जो है वो बन जाता है, और इधर जो है वो डेजर्ट आदि जो है वो बन जाता है। और जो अंदर भूगर्भिक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जमीन के अंदर अगर बात करें तो इधर इधर पूरा सारा जो है वो सेम जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो है वो हमारा थार है डेजर्ट। और इसमें जो है वो कुछ खास हम लोग को देखना नहीं है थार डेजर्ट में। चलिएगा, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसको कि हम लोग जो है वो पहले कोस्टल प्लेन्स भी हम लोग कर ही लेते हैं, निपट जाएगा। जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है, जो हमारे समुद्र के किनारे जो प्लेन्स हैं, ये इस मैप में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा समुद्री एरिया है, ये पूरा जो है वो इधर अरेबियन सी है, इधर जो है हमारा बे ऑफ बंगाल है, और इधर जो है वो हमारा इंडियन ओशन है। तो यही जो है वो हमारा पूरा ये पेनिनसुला है, थोड़ा और ऊपर से, ये हमारा जो है वो पेनिनसुला है पूरा, जो कि तीन साइड से समुद्र से जो है वो घिरा हुआ है। इस पेनिनसुला में इस तरह से अगर हम लोग बांटे तो ये जो एरिया इधर का आया, ये हमारा कोस्टल प्लेन्स जो है वो कहलाता है। तो इधर जो ईस्ट साइड में पड़ा, इसको हम लोग ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, और जो इधर वेस्ट साइड में पड़ा, इसको हम लोग वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं।
अब इसमें भी अगर हम लोग डिवीजन देखें तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं कि ये कच्छ का एरिया है, और यहाँ से फिर यहाँ तक का जो एरिया आता है, यहाँ तक ये पूरा घूमते हुए, इसको हम लोग काठियाड़वाड़ के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये काठियाड़वाड़ एरिया जो है वो आता है, इस डिवीजन को भी जो है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद काठियाड़वाड़ जो यहाँ पर मुंबई से लगभग शुरू होता है और यहाँ से लगभग केरल का जो तट आता है, इसको जो है हम लोग कोंकण कोस्ट जो है वो कहते हैं, कोंकण तट जो है वो कहते हैं, जो काफी खूबसूरत भी है। और फिर केरल का जो पूरा यहाँ तक हिस्सा आता है, ये पूरा मालाबार कोस्ट जो है वो आता है, यहाँ पर केप कोमरिन है हमारा, और उसके बाद ईस्ट साइड में केप कोमरिन से लेकर के यहाँ तक जो है हमारा आंध्र प्रदेश का जो है, यहाँ तक जो है वो हमारा कोरोमंडल कोस्ट जो है वो कहलाता है, और उसके बाद यहाँ से लेकर के जो है वो उड़ीसा का यहाँ तक जो है वो जो पोजिशन है, इसको हम लोग सरकार या नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और इसमें फिर यहाँ से यहाँ तक जो आता है वो उत्कल प्लेन्स जो है वो कहलाता है। तो ये जो है वो हमारा डिवीजन है, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले जो हमारे लैंड है उसके बीच का जो है डिवीजन जो है वो इसी तरह से जो है वो पाया जाता है। तो इसको जो है वो ध्यान रखना है हम लोगों को, और हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं कोस्टल प्लेन्स की। तो हमारे कोस्टल प्लेन्स जो है वो देखा जाए तो दो हिस्सों में जो है वो बटा हुआ है, ईस्टर्न साइड में और वेस्टर्न साइड में, और दोनों जो है एक नैरो स्ट्रिप है, और ये जो है वो इरोजन और जो सी वेव्स के डिपोजिशन हुए हैं, दोनों ओर से हम लोग देखेंगे कि सी है इधर से भी, तो इन दोनों के बीच जो कोस्टल हवाएं चली, जो कोस्टल पानी जो गया, इन सारे चीज का जो डिपोजिशन हुआ, इसके वजह से सेडिमेंट्स का जो है वो डिपोजिशन जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा जो पेनिनसुलर रिवर्स है, इनसे भी जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के आती है और यहाँ पर जो है वो डिपॉजिट करती हुई नजर आती हैं। तो सेडिमेंट्स जो है वो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। इसका दो रीजन है, एक तो जो नदियां बह रही है वो लेकर आई, और प्लस जो इधर जो हमारा समुद्री हवा और समुद्री पानी वगैरह जो इफेक्ट किया, इसके वजह से भी जो है वो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। और पूरा अगर वेस्टर्न अगर कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये पूरा गुजरात से लेकर के केरल तक जो है वो पूरा मेरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, और इधर जो है वो पूरा मेरा यहाँ से बंगाल से लेकर के यहाँ तक जो है वो हमारा ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये जो है जो इस वाले कोस्टल प्लेन की बात करें, इस वाले कोस्टल प्लेन की अगर हम लोग बात करें तो ये काफी नैरो स्ट्रिप है, ईस्टर्न वाले की तुलना में ये ज्यादा नैरो है, और इसमें जो है वो एलुवियल सॉइल का जो है वो डिपॉजिट ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल का। तो एलुवियल सॉइल का डिपॉजिट इस स्ट्रिप में हम लोग को देखने को मिलता है, और इन्हीं हाईलैंड्स है ये पूरा, और हम जानते हैं कि ये जो है हमारा पोर्शन है, ये कभी जो है वो पूरा उठा हुआ पोर्शन जो है वो रहा था, और ये समुद्री इरोजन या कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज के वजह से ये आज समुद्र में जो है वो सबमर्ज जो है वो हो गया है। तो यहाँ से जो ये टुकड़ा हिस्सा आया, यहाँ से ये जो हिस्सा टुकड़ा हुआ, यहाँ से ये हिस्सा जो है वो उठा हुआ हिस्सा जो है वो हमारा है, और ये इसलिए जो है वो हाईलैंड्स है, और यहाँ से जो है वो इस हाईलैंड से जो है कई सारी नदियां जो है वो हम लोग को बहती हुई दिखेंगी जो इस वाले हिस्से से आती है। इसमें जो है वो दो चीजें हैं, दो नदियां हैं जो नर्मदा और तापी जो है वो दो नदियां जो है वो सिर्फ इस तरफ जो है वो बहती हुई, इसी बीच से जो है वो गैप है, इस बीच से गैप से जो है वो बहती हुई जो है वो हम लोग को दिखेंगी। बाकी जो साउथ की ओर जैसे जो भी नदियां आएंगी वो ईस्ट की ओर बहती हुई जो है वो हम लोग को दिखेंगी। बाद में जब हम लोग रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसमें और बेहतर डिटेल से जो है वो इसको देखेंगे। तो जो हमारा कच्छ और काठियाड़वाड़ का रीजन है, ऊपर से हम लोग देखना शुरू करते हैं, तो ये जो कच्छ और काठियाड़वाड़ का जो रीजन है, ये जो कच्छ और काठियाड़वाड़ का जो रीजन है, इस रीजन में जो है वो सी डिपॉजिट्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। सी डिपॉजिट्स यानी कि समुद्री वजह से जो डिपॉजिट्स हुए हैं वो जो है ज्यादा पाए जाते हैं, और यहां पर जो है वो इस रीजन में रेगुर सॉइल, जिसको हम लोग ब्लैक सॉइल जो है वो कहते हैं, वो रेगुर सॉइल भी जो है वो इस रीजन में जो है वो पाया जाता है, और ये जो है वो
लावा डिपॉजिट की वजह से जो है वो बना है, लावा डिपॉजिट की वजह से, और इस पे फिर समुद्री हवाओं का भी जो है इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है जब आगे आए तो कोंकण कोस्ट जो हमारे यहाँ गुजरात से लेकर के पूरा जो कर्नाटक तक का जो या केरल के शुरुआत तक जो पड़ता है जिसको हम लोग कोंकण कोस्ट कहते हैं, ये जो है वो बहुत फेमस है और टूरिस्ट स्पॉट जो है उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें जो है वो बहुत सारे मूवीज आदि की जो है वो शूटिंग भी आप जो है वो देखेंगे कि बहुत खूबसूरत आता है। और रेल लाइन भी जो है वो बिछा दिया गया है जो यहाँ से इस रूट में जो है वो जाती है और काफी खूबसूरत जो है वो पाया जाता है। इसके साथ साथ अगर इसमें देखें तो गोवा से मैंगलोर की अगर बात करें, गोवा यहाँ पर और मैंगलोर जो कर्नाटक में है यहाँ पर, इसके बीच का भी जो है वो एक कोंकण कोस्ट का एक हिस्सा है, इसको जो है वो हम लोग कन्नड़ कोस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं, कन्नड़ कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट के नाम से जो है वो हम लोग इसको जानते हैं। तो ये भी जो है वो यहाँ पर आया जाता है और ये काफी जो है वो प्लेन और फर्टाइल एरिया जो है वो माना जाता है। इसके अलावा जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी जो है वो हमारा मालाबार कोस्ट जो है वो कहलाया, मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है वो मालाबार कोस्ट कहलाया। इस कन्नड़ कोस्ट में याद रखिएगा तुलु जनजाति, ये तुलु जनजाति भी जो है वो पाई जाती है और इनका एक लैंग्वेज भी है जो कन्नड़ी से काफी जो है वो मिलता जुलता है। तो ये तुलु जनजाति भी जो है वो इस कन्नड़ कोस्ट पे जो है वो पाई जाती है। इसके बाद जो है वो अगर हम लोग बात करें तो जो मालाबार कोस्ट है ये जो है वो बहुत ही ब्लैक वाटर बैक वाटर लैगून जो है वो इस कोस्ट में जो है वो पाया जाता है जिसको कयाल के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो है वो कयाल पाया जाता है, यानी इस क्षेत्र में पानी जो है वो थोड़ा अंदर घुस करके लैगून जैसा जो है वो बन गया है, यानी समुद्र से कट गया है। तो ये जो पोजिशन पाए जाते हैं इसको जो है वो हम लोग कयाल कहते हैं और ये जो है वो काफी संख्या में जो है वो इस मालाबार कोस्ट में जो है वो पाया जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न साइड में तो केप कोमरिन से लेकर के यहाँ तक आंध्र प्रदेश तक का जो ये एक्सटेंडेड पोर्शन है इसको हम लोग जो है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जो है वो जानते हैं। जो ईस्टर्न साइड वाला हमारा जो ये कोस्टल प्लेन है, ये प्लेन जो है वो हमारा इसके तुलना में काफी लोअर है और इसका ढलान जो है वो इस तरफ जो है वो पाया जाता है और ये जो है वो यहाँ पे काफी हाइट नुमा जो है वो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पहाड़ जो है वो पाए जाते हैं, बट इसमें जो है वो मैदान नुमा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग को मेनली पाए जाते हैं। इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी जो डेल्टा रीजन है, खास करके ये वाला रीजन, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नदी जो है वो हम लोग को पार होते हुए जो है वो दिखेंगी, जिसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, ये सब जो नदियां जो है वो इसी प्लेन्स में जो है वो हम लोग को पार होते हुए जो है वो दिखेंगी। और जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो उत्कल कोस्ट है, ये आंध्र प्रदेश के यहाँ से शुरू होता है, उड़ीसा का जो उत्कल कोस्ट है इसको जो है वो कई बार कलिंगा कोस्ट के नाम से भी जो है वो पुकारा जाता है, कलिंगा कोस्ट, तो ये कलिंग कोस्ट के नाम से भी जो है वो जाना जाता है कई बार। और जो है नॉर्दर्न सरकार जो है वो, ये भी जो है वो नॉर्दर्न सरकार है। और जो हमारा ये कोरोमंडल वाला कोस्ट है, इस कोस्ट में हमारा रिट्रीटिंग मानसून जो होता है, जो लौटता हुआ मानसून है, इस मानसून में बहुत ज्यादा जो है वो बारिश हम लोगों को देखने को मिलती है इस वाले कोरोमंडल कोस्ट में। और ये जो है वो समझ लीजिए कि गोदावरी नदी का जो डेल्टा है यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है वो पाया जाता है। इसमें आप देखिएगा कि चेन्नई, बेंगलोर में भी कितना फ्लड आया हुआ है, तो ये सब जो है वो रिट्रीटिंग मानसून के समय में भी जो है वो काफी जो है वो बारिश जो है वो झेलता है रिट्रीटिंग मानसून के समय। और इसमें जो है वो ज्यादा ढलान है इस साइड में, ईस्टर्न साइड में, तो इस वजह से जो यहाँ पर पोर्ट्स, सी पोर्ट्स भी जो है वो नेचुरल सी पोर्ट्स जो है वो हमारे बहुत सारे पाए जाते हैं, चाहे चेन्नई हो, चाहे आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो, तो इस तरह के जो है वो बहुत सारे कोस्ट जो है वो हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसका कारण है कि ये जो है वो काफी ढलान नुमा जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है, इस तरफ जो है वो ढलान होने के वजह से जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो है इसमें कई सारे लैगून भी जो है वो डेवलप हो गए हैं,
यानी कि बैकवाटर वाला जो हिसाब है उसमें चिलिका लेक जो है वो इंपॉर्टेंट है, कोलेरू लेक है और पुलिकट झील जो है वो तीन इंपॉर्टेंट लेक है। चिलिका जो उड़ीसा में पड़ता है, कोलेरू जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और पुलिकट लेक जो है वो आता है। और इसमें जो है वो एग्रीकल्चर भी जो है वो अच्छे अमाउंट में जो है हम लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पर राइस माने चावल और इसके अलावा जो है वो शुगर केन का भी जो है वो खेती काफी ज्यादा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो है वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो इस कोस्टल प्लेन को उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इससे ज्यादा इसमें जो है वो कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो है वो है नहीं। तो ये जो है वो हमारा इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट नदियां जो बह रही है, चाहे महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, पेरियार हो, इन सब के बीच में जो है वो काफी डेल्टा का जो है वो निर्माण होता है और ये डेल्टा जो है वो काफी फर्टाइल डेल्टा जो है वो पाया जाता है, जो साउथ इंडिया में जो है वो खेती को जो है वो काफी मजबूत करता है और अच्छा इम्पैक्ट जो है वो देता है। तो महानदी वाला डेल्टा उड़ीसा में है, उसी तरह गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है वो आंध्र प्रदेश में है और कावेरी डेल्टा जो है वो तमिलनाडु में है। तो हम लोगों ने जो केजी बेसिन जो है वो कावेरी और गोदावरी का बेसिन, जहाँ पे जो है वो नेचुरल गैसेस भी जो है वो मिलता है, इससे भी संबंधित कई विवाद जो है वो हम लोगों ने देखा, अंत में रिलायंस ग्रुप को जो है वो मिल गया। तो ये कावेरी और गोदावरी के बीच में जो बेसिन है, इसी के बीच में जो है वो केजी बेसिन जो है और काफी जो है वो ये रहा है। और जो पूर्वी साइड वाला जो हमारा तटीय मैदान है, यहाँ की मिट्टी जनरली चिकनी है और इधर वाले जो मिट्टी है इसमें जनरली पेबल्स की मात्रा जो है वो ज्यादा पाई जाती है और इधर वाले जो पोर्शन है इसमें तो ब्लैक मिट्टी जो है वो पाई जाती है। हालांकि जब हम लोग सॉइल को देखेंगे तो और बेहतर तरीके से जो है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और बाकी हम लोगों ने जो है यहाँ पर देख लिया, कोलेरू, पुलिकट, चिल्का आदि झील भी जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं और ये लैगून्स जो है वो है। तो इसमें जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल मैदान में जो है वो हम लोगों को इतनी चीजें जो है वो समझनी है इसका पोजीशन आदि को लेकर के। हालांकि इस कोस्टल मैदान में कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो हम लोग को नहीं मिलता है, बट स्टिल हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाना है। तो क्लियर है ये? यस सर। तो हम लोगों ने जो है वो हिमालयन रेंजेस देख लिया, आइसलैंड देख लिया और हम लोगों ने कोस्टल प्लेन्स देख लिया। अब दो जो हमारा मेजर आता है जिसमें कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाता है और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आ जाता है, इन दोनों को हम लोग अब देखेंगे। तो ये जो है द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया जो है वो कहलाता है, उत्तरी भारत के मैदान बहुत ही फर्टाइल और हम लोग जो है वो इसी मैदानी भाग को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जो है वो इसी मैदानी भाग में जो है वो रहते हैं और इससे जो है वो भली भांति हम लोग वाकिफ भी हैं। कई सारी नदियां भी जो है वो इसमें बहती हैं, कई महत्वपूर्ण नदियां जो है वो इसमें बहती हैं, गंगा, यमुना, इसके अलावा जो है सोन, सरयू, इस तरह की जो है बहुत सारी नदियां जो है वो बहती हुई नजर आती हैं।
तो इसको जो हम लोग देखेंगे और काफी इंपॉर्टेंट भी है, कृषि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो हम लोग देखते हैं। तो इस मैप से जो है वो हम लोग को क्लियर होगा कि जैसे ही हमारा सिवालिक्स खत्म होता है इसके बाद जो है वो इस पूरे बेल्ट में जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो शुरू हो जाता है। ये पूरा जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो एक्सटेंड करता है, ये पूरा जो है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो आता है, ये जस्ट सिवालिक के फुटहिल्स से जो है वो शुरू हो जाता है और पूरा जो है वो पेनिनसुलर इंडिया जहां से शुरू होता है उसके पहले तक जो है वो आता है। और ये जो है वो हमारा काफी फर्टाइल लैंड जो है वो हमारा पाया जाता है, इसमें कई सारी नदियां जो है वो बहती हैं। और ये जो है वो सिर्फ सेंट्रल पार्ट में नहीं बल्कि ईस्टर्न पार्ट में भी जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स तक के तक में जो है वो फैला हुआ हम लोग को नजर में आता है। और इसमें जो है वो कई सारी जो है वो श्रेणियां, सॉरी इसको जो है अगर हम लोग बांटे तो इसमें जो है वो सिंधु रिवर सिस्टम जो इधर से आ रहा है ये भी जो है वो इसी का पार्ट जो है वो आता है, हालांकि ये हिस्सा पाकिस्तान की ओर चला गया है, हम लोगों को केवल भारत की ओर से देखना है। और यहाँ पे पंजाब में जो है वो पांच नदियां जो है वो बह रही हैं, तो ये पूरा जो है वो काफी